जरा सोचिए कि आप अपने घर पर आराम से बैठी हैं, तभी आपको फ़ोन आता है कि आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी नज़र जाती है घर में बिखरे पड़े सामान पर। चारों तरफ सामान फैला है, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कितनी भी सफाई कर ले, घर में सामान फैल ही जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 1 घंटे में आप अपने घर को चकाचक कैसे कर सकते हैं। तो सफाई करने के पहले एक टिप है कि आप अच्छे से आरामदायक कपड़े पहन लीजिए, और साथ ही म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर लीजिए, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल लीजिए ताकि फ्रेश एयर आ सके, और उसके बाद सफाई शुरू करिए। सफाई शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने झटपट पनीर भुर्जी और साथ ही इसके साथ कुलचा बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, और आइए करते हैं घर की साफ़ सफाई। सबसे पहले बच्चों के पड़े टॉयज़ जितने भी हैं सारे एक बास्केट में भर लीजिए, और उसको अच्छी तरीके से कहीं दूसरे रूम में या स्टोर रूम में रख दीजिए। अच्छा, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है ना, तो मैंने शिवाय का सारा टॉयज़ का सेटअप यहाँ पे कर रखा है लिविंग रूम में ही, एक मैट बिछा के। आप पीछे जो टॉय ऑर्गेनाइजर्स देख रहे हैं वो मैंने बॉक्स से बनाए हुए हैं, उसके वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों के टॉयज़ को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है वो भी आपको बहुत ही अच्छा वीडियो एक मिल जाएगा। तो विंटर में जैसे कि बच्चों को आप ज़मीन पर खेलने के लिए दे देते हैं तो उनको ठंड लग सकती है, इसलिए इस तरीके से मैट वाला सेटअप करके मैंने रखा है ताकि वो बैठकर इसके ऊपर खेले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको अभी हटा लूँगी, मैं चाहती हूँ जब तक गेस्ट हो तब तक कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिविंग रूम में ना रहे। अब इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। वैसे मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह एक बार डस्टिंग थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ ताकि ऊपर जितनी भी धूल बैठी हुई है वो हट जाए। अब किन्हीं किन्हीं के घर में बहुत ज़्यादा धूल आती है तो उनको फिर रोज़ रोज़ करते हुए आलस आ जाती है, तो डस्ट जम ही जाती है। लेकिन अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो ये काम ज़रूर ज़रूर करें, क्योंकि अगर उनका ध्यान जाएगा कहीं पर डस्ट जमी हुई है तो इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए डस्ट को हमेशा साफ़ करके रखें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटाकर एक एक बार पोंछ ली हैं, और उसके बाद ये पिंक वाला जो डस्टर है ये बहुत काम का डस्टर है, और इससे तुरंत ही आप कहीं पर भी विंडो में या डोर पर या किसी भी टेबल पर आराम से डस्ट हटा सकते हैं। तो इस डस्टर से मैं पूरे डोर पे और विंडो पे अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि बाहर जैसे खुला खुला है ना तो डस्ट आ ही जाती है, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ। उसके बाद मैंने दरवाजे के पास भी, मुझे लग रहा था कहीं कहीं पे साफ़ करने की ज़रूरत है, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। तो ये काम करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 5-10 मिनट में आपके लिविंग रूम में जितनी खुली चीज़ें हैं वो एकदम साफ़ हो जाती हैं और बिल्कुल डस्ट फ्री हो जाती हैं। डस्टिंग के बाद सोफ़े या सेंटर टेबल पर पड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें झट से हटा लीजिए, और इसके लुक को चेंज करने के लिए आप कुशन कवर, बहुत अच्छे वाले कुशन कवर जो एकदम साफ़ सुथरे नए हों उसको लगा दीजिए। इससे आपके लिविंग रूम का शो भी बढ़ जाएगा और आपके घर एकदम साफ़ सुथरा और सुंदर लगेगा। मेरे पास सोफ़े नहीं है तो मैं यहाँ पर दीवान की बेडशीट भी चेंज करूँगी और साथ ही कुशन कवर भी चेंज करूँगी। दोस्तों, आप लोग मेरे सारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं अपने चैनल पर साफ़ सफाई से रिलेटेड, साथ ही आप घर को कैसे सजा कर संवार कर रख सकते हैं, DIY, ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब आप अगर एक होममेकर हैं तो आपके इंटरेस्ट के सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नए वीडियोज़ डालूँगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मैंने अलग अलग टॉपिक के वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, आप एक बार ज़रूर चेक करिए, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ। दीवान और सेंटर टेबल क्लीन करने के बाद एक बार लिविंग रूम में नज़र घुमाइए, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा सामान दिखता है तो उसको हटा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि इस टाइप के बास्केट्स खरीद कर रखिए 2 या 3, कभी भी घर को तुरंत साफ़ करने के लिए बास्केट्स बहुत काम आते हैं। घर पर पड़ी हुई एक्स्ट्रा चीज़ों को इन बास्केट में रखिए और इनको आप किसी स्टोर रूम में या अलग कमरे में ले जाकर रख दीजिए फिलहाल, ताकि आपका घर तुरंत साफ़ हो जाए, और जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप एक एक करके उन बास्केट के सामान को अरेंज कर सकते हैं। ये बास्केट वाला आइडिया आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा जब भी आपको तुरंत अपने घर को साफ़ करना हो, ये बहुत काम आते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्लोर क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा खुद से ही लगाती हूँ, मैंने सिर्फ बर्तन के लिए काम वाली लगा रखी है, तो मैं जल्दी जल्दी से फ्लोर क्लीन कर लूँगी।
घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कारपेट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में एक सुंदर सा कारपेट भी बिछा सकते हैं, जिससे कि आपका रूम बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इसके बाद हम करेंगे हमारे डाइनिंग रूम की सफाई। मेरे यहाँ डाइनिंग रूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि डाइनिंग रूम की सफाई कैसे करनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर पर डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन एक टेबल है जो हमने रखा हुआ है, जिस पर हम कुछ चीज़ें रखते हैं ज़रूरत की। तो आपके घर में अगर डाइनिंग टेबल है, तो आप पहले उसके ऊपर रखी हुई जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको उठाकर किचन में रख लीजिए, और उसके बाद उसको साफ़ करके एक नया टेबल क्लॉथ बिछाइए। उसके बाद डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी अच्छे से क्लीन करके जमा दीजिए। हमने ये एक नील कमल वाला टेबल सिर्फ रखा हुआ है, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में मैं ज़्यादा सामान नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये टेबल कभी कभी हम नाश्ता करने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ज़मीन पर बैठकर ही हम खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। और सच बताऊँ तो हमने सोच के ही रखा हुआ है कि जब कभी हम अपना घर लेंगे, तब हम एक बहुत ही खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल परचेस करेंगे। तो ये हमारा जो टेम्प्रेरी डाइनिंग टेबल है वो तैयार हो चुका है। अब बारी आती है किचन की सफाई की। तो इतना सारा सामान किचन में गया, तो आप देख रहे हैं सुबह का नाश्ता बनाए, खाना बनाए, तो किचन में बहुत सामान फैला हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ 10 मिनट लीजिए घड़ी में देखकर, और 10 मिनट बिना रुके जितना भी सामान आपको दिखता है बस लेकर जगह पर रखते जाइए, और आप देखेंगे कि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट लगता है सफाई करने में, अगर आप ध्यान से करेंगे, बिना रुके करेंगे, बिना थके करेंगे, तो ये तुरंत साफ़ हो जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बार मैं गीले कपड़े से और उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से प्लेटफॉर्म को क्लीन कर रही हूँ। अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो आपको काम करने में और भी कम समय लगेगा, पर मेरा ओपन किचन है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुली खुली थोड़ी सी बिखरी हुई सी दिखती है, तो उसे अरेंज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है, आप जैसे कि देख रहे हैं। इसके बाद हमें दूसरा काम करना है, जो भी डब्बे साइड में मेरे ओपन किचन में रखे हुए हैं उसको मैं अरेंज करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा किचन टूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है, उसमें बहुत लोगों ने प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पर कुछ बर्तन मैंने खुद से वॉश कर लिए जो सिंक में पड़े हुए थे, और कुछ जो दीदी धोकर गई थी उसको मैंने अच्छी तरीके से पोंछ करके स्टैंड में जमा दिए। बिखरे हुए बर्तन ना रखें, क्योंकि उससे काम ज़्यादा फैलेगा। बर्तन को अरेंज करके रख दीजिए, तो इससे आपका किचन एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद कर लेंगे किचन की फ्लोर क्लीनिंग। किचन का फ्लोर बहुत गंदा होता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार आप पोछा लगा दीजिए, जिससे कि आपके किचन का फ्लोर एकदम चमक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी मैं मैट बिछा दूंगी और मेरे किचन का काम भी हो गया ख़त्म। तो अगर आप थोड़ी प्लानिंग के साथ किचन की सफाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन कर लीजिए, एक्स्ट्रा पड़े डब्बे अच्छे से अरेंज कर लीजिए, एक्स्ट्रा सिंक में पड़े बर्तन वॉश कर लीजिए, और उसके बाद जो बर्तन धुले हुए हैं उनको अच्छी तरीके से अरेंज कर दीजिए। फ्लोर क्लीन करिए और आपका किचन हो जाएगा एकदम चकाचक। तो अब बारी आती है बेडरूम की। वैसे आपके गेस्ट बेडरूम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन इतनी सफाई करी है तो क्यों ना बेडरूम भी साफ़ कर दिया जाए। तो सबसे पहले जितने भी कपड़े पड़े हैं उसको आप लेकर के वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, जो भी धुलने के कपड़े हैं, और उसके बाद एक अच्छी सी बेडशीट चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपके बेडरूम का लुक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ड्रेसिंग टेबल पर भी जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए। सारी चीज़ों को जगह पर रखने के बाद इस टेबल को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। अगर आपके घर में भी ज़्यादा सामान है तो आप इसे किसी पाउच में रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल का सामान, और जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप उसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं करूँगी फ्लोर की क्लीनिंग और उसके बाद मैट बिछा दूँगी। आपके जो बाथरूम के डोर मैट्स होते हैं उसको ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि वो अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो इसको भी एक एक्स्ट्रा रखिए। जब भी कोई आने वाला हो तो आप नए डोर मैट्स बिछाइए, जिससे कि आपका घर एकदम फ्रेश लगे। और फ्रेंड्स, बाथरूम भी क्लीन करके एक बार अच्छे से वाइप कर लीजिए, क्योंकि अगर घर साफ़ है और बाथरूम गंदा है तो भी बहुत ख़राब लगता है, इसलिए बाथरूम को भी ज़रूर साफ़ करिए। आखिरी में खुद तैयार होना ना भूलें, बहुत ही अच्छे से फ्रेश ड्रेस पहनिए, एक अच्छी सी बिंदी लगाइए और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाइए। 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस करें।
और हाँ, मेहमानों के आने के 5 मिनट पहले रूम स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि घर में अच्छी खुशबू आए और मेहमानों का मूड फ्रेश हो जाए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल रहेगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाएंगे। DIY, ब्यूटी से रिलेटेड और घर को कैसे सजा कर संवार कर रखना है, ये सारे टॉपिक जो आपके काम में आ सकते हैं, मैं अपने चैनल पर बनाती रहती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी फिर आपसे नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखा था इतना टाइम करना।